हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस में। मैं आपका दोस्त मनोज यादव आज एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। जो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है साथियों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों वह है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इसके बाद साथियों मैं पूरे इस क्वेश्चंस को जो आंसर्स है उसको एकदम आसानी से डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं यहां पे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको भी इसी वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूं। तो आप सभी का स्वागत है साथियों, और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक करना मत भूलिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए साथियों। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब होता है साथियों जो हमारा एटम्स है या जो हमारा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो क्या करता है, अगर गैसियस स्टेट आप अगर समझें, गैसियस स्टेट से अगर वो एक्वस स्टेट या गैसियस फॉर्म से वह जलीय फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो वो कुछ एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है उस जो फॉर्म को चेंज करने में या जो स्टेट को चेंज करने में जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी एनर्जी को यहाँ पे कहा गया है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहा गया है, हाइड्रेशन एनर्जी। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, अब चलिए मैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसके आधार पर मैं समझाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी लोग, इधर आइए मैं आपको सभी को समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। ओके, तो यहाँ पे साथियों ये हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है उसको बोलते हैं, उसको एक नाम से और जाना जाता है, उसको जाना जाता है सॉल्वेशन एनर्जी। किस नाम से जाना जाता है, सॉल्वेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी आल्सो नोन एज सॉल्वेशन एनर्जी। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन जब वन मोल ऑफ गिवन आयनिक पासेस फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस स्टेट इनटू द स्टेट ऑफ हाइड्रेशन। मैंने आपको बता दिया पहले ही कि गैसियस फॉर्म से आयनिक, गैसियस फॉर्म से आपके हाइड्रेशन फॉर्म में जब चेंज हो रहे हैं जो हमारे क्या है साथियों, आयंस हैं। ठीक है, या कितने मोल, यहाँ पे अगर हम मात्रा अमाउंट निश्चित करें तो वन मोल, कितने मोल में, वन मोल ऑफ द गिवन आयंस पासेस फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस स्टेट इनटू द स्टेट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, स्टेट इनटू द हाइड्रेशन फॉर्म में क्या होते हैं, जब वो कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, इक्वस फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं आप सॉल्यूशन में, जब वो कन्वर्ट होते हैं तो उससे जितनी एनर्जी रिलीज होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को साथियों कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, उसी को हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक मान लीजिए ये आयंस लिया हूँ, ठीक है, एम प्लस आयन है, ये गैसियस फॉर्म है, कहाँ पे है, ये गैसियस फॉर्म है, और जब ये गैसियस फॉर्म से एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, ये रिलीज वाली एनर्जी है। ठीक है, ये कौन सी एनर्जी है, ये है आपकी रिलीज्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, ये रिलीज्ड एनर्जी है। ठीक है, इसी एनर्जी के बारे में यह पूरा आपको समझाया गया है। ठीक है, व्हेन वी कंपेयर NaCl एंड MgCl, अगर हम यहाँ पे दो आयन के बारे में या दो मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है, या दो एटम्स के बारे में हम अगर कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, एक मैंने लिया यानी NaCl और दूसरा लिया MgCl2, क्या लिया, एक NaCl लिया और दूसरा लिया MgCl2। ठीक है, देन Mg प्लस जो है, और अच्छा आप यहाँ पे देखेंगे जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीशियम का वो क्या होता है, प्लस टू होता है, और सोडियम का क्या होता है, प्लस एक होता है, तो ये हो जाएगा Na प्लस और ये हो जाएगा Mg2 प्लस। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं जो आयनिक चार्ज होगा वो क्या हो रहा है, यहाँ पे आयनिक चार्ज जो हो रहा है वो साथियों इंक्रीज हो रहा है, किस में इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीशियम में, और इसमें कम है। ठीक है,
तो यहाँ पे आयनिक चार्ज आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों कि इंक्रीज हो रहा है, तो आप इसको पॉइंट को याद कर लीजिए कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है उसमें आयनिक चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी में जो आयनिक रेडियस होता है साथियों, इन दोनों के बीच का जो रेडियस होता है वह चेंज होगा, वह अलग होगा या वह डिक्रीजेस फॉर्म में होगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई साथियों, ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आइए मैं बात करता हूँ लास्ट में, अगर मैं इन दोनों के बीच में जो कंपेयर कराऊंगा साथियों, ठीक है, तो किसकी हाइड्रेशन एनर्जी अधिक होगी और किसकी कम होगी। ठीक है, तो टू सो कंपेयर द लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, और द हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट देन ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी। जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी साथियों वो मस्ट ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी होगी। ठीक है, यानी क्या कहेंगे, जो लैटिस एनर्जी होगी वो कम होगी और हाइड्रेशन एनर्जी अधिक होगी। तो इस तरीके से साथियों ये आपका हाइड्रेशन एनर्जी टॉपिक फिनिश होता है, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही आराम से समझ में आ गया होगा, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए साथियों। और चलिए मैं अब आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ रखता हूँ, उसको भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है, लेकिन इसको करना कैसे है इसको समझ लीजिए आप सभी लोग बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको चलिए हम लोग समझते हैं, आइए देखते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इन सभी में आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है इसमें से पूछा गया है कि सबसे अधिक रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है सबसे अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों आपको मैं बता दूं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है, चलिए आप सभी लोग मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सही, और सभी लोग एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम अब समझते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है। तो चलिए आइए देखते हैं, सबसे पहले होता है आयोडीन होता है, क्या होता है, आयोडीन लेस रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडीन आपका जो है माइनस में है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा ये अभी हम आपको बता देते हैं। ये इधर को अगर साइन लगा रहा हूं मैं, समझिए, अगर देखिए इधर को साइन लगेगा तो ये क्या होगा, ग्रेटर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी तरफ, ग्रेटर की तरफ, और अगर इधर को लगा है तो स्मॉल की तरफ। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा माइनस आई, फिर हो जाएगा ब्रोमीन, फिर हो जाएगा क्लोरीन, और फिर क्या हो जाएगा साथियों, फ्लोरीन। ओके, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। तो अब यहाँ पे मैंने आपको ऑर्डर एक क्रम मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें आपको पता चल गया होगा कि आपका सबसे अधिक जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें, फ्लोरीन सबसे कम है, उससे अधिक क्लोरीन है, उससे अधिक ब्रोमीन है, और सबसे अधिक जो है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, आयोडीन है। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह राइट आंसर होगा ये। ठीक है, यानी आयोडीन इज द, आयोडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी साथियों, क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट आपको कौन सा मिला, आयोडीन मिला। ठीक, अब आइए साथियों, इतनी बात समझ में आ गई सभी को, चलिए अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक, सभी को क्लियर हो रहा है, ओके। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे साथियों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कौन से मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे अधिक है, तो आपको बताना है। ठीक, चलिए सभी लोग एक बार कोशिश करिए साथियों, पहले आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए, सभी लोग एक बार कमेंट करिए साथियों, सभी लोग जल्दी से, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए अब हम बताते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका आपका ट्रांजिशन मेटल है क्या है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, आयरन है, रुबिडियम है। ठीक है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, आयरन है और रुबिडियम है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो मैग्नीज होता है उसका क्या होता है +7, क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, और जो आपका क्रोमियम होगा उसका +6 होगा, और यहाँ पे जो आयरन होगा उसका भी क्या होगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों तो रुबिडियम का जो होगा वो +8 होगा। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा साथियों ये, ठीक ओके। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस मेटल का है। ठीक है, तो किस मेटल का है आप बता दीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं इसका 7 है, इसका 6 है, इसका 6 है, यानी इन दोनों का 6-6 है और इसका 8 है, प्लस Ma है और 8 है। तो अब आप बताइए किसका सबसे अधिक है। चलिए तो यहाँ पे साथियों जो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए रुबिडियम, ठीक है, रुबिडियम का जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है, इसलिए ये क्या है हाईएस्ट ट्रांजिशन जो है मेटल है, इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +8 है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है रुबिडियम, क्या है रुबिडियम है। इतनी बात आपको समझ में आ गई साथियों, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन और जो रुबिडियम है वो दोनों क्या है सेम ग्रुप के हैं, ठीक है, क्या है सेम ग्रुप के हैं, ठीक है। रुबिडियम है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन और रुबिडियम हैज सेम ग्रुप, ठीक है, सेम ग्रुप के हैं पहली बात, और दूसरी बात जो है रुबिडियम हैज हाईएस्ट आयरन एंड रुबिडियम, ठीक है, विथ बोथ सेम ग्रुप, ठीक है, रुबिडियम हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके +8। तो साथियों आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से समझ में आ गए होंगे। तो ये था आज के हमारे जो क्वेश्चंस थे, ये चैप्टर सेकंड से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है साथियों, लेकिन अभी इसमें से 3-4 क्वेश्चंस बाकी है चैप्टर 2 के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो भी फिनिश हो जाएंगे तो आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप सभी लोग।